हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। हम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट पैरा एसएफ बटालियंस और उनके रोल्स के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट पैरा एसएफ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको बताएंगे कि डिफरेंट पैरा एसएफ बटालियंस और उनके रोल्स के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एनडीए या सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एनडीए, सीडीएस और ओटीए के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको एनडीए और सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पैरा एसएफ बटालियंस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि हर बटालियन की ऐसी कौन सी खास बात है जो उन्हें बाकी सारी पैरा एसएफ बटालियन से अलग पहचान दिलाती है। इंडियन पैरा एसएफ को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पेशल फोर्सेस माना जाता है और हर डिफेंस एस्पिरेंट पैरा एसएफ रेजिमेंट ज्वाइन करने के बाद वो आइकॉनिक मरून बारे और बलिदान बैच को पहनना चाहता है। पैरा एसएफ को इंडियन आर्मी ने 1966 में एस्टैब्लिश किया था और 1965 के इंडियन पाकिस्तान युद्ध के दौरान मेजर मेक सिंह, जो कि ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में सर्व कर रहे थे, उनके अंडर एक छोटी सी वॉलंटियर यूनिट मेघदूत फोर्स बनाई गई जिसमें इन्फेंट्री यूनिट्स के जवान और ऑफिसर्स शामिल थे। और इस यूनिट ने सीमा के पार काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी किए, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार को एक ऐसे अनकन्वेंशनल फोर्स की जरूरत महसूस हुई कि जो उस तरीके से ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे जिन्हें कर पाना नॉर्मल यूनिट्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो। मेघदूत फोर्स को पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि पैराट्रूपिंग कमांडो टैक्टिक्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट की 9th बटालियन में 9 पैरा एसएफ को क्रिएट किया गया, जो कि भारत की सबसे पहली स्पेशल ऑपरेशन यूनिट थी। 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा कमांडो से 10 पैरा कमांडोज को रेस किया गया और उन्हें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के 1971 युद्ध में डिप्लॉय किया गया, जहाँ 9 पैरा कमांडोज ने जम्मू एंड कश्मीर के मंडोल, जो की पुंछ का एक हिस्सा है, उसमें काफी भारी मात्रा में गन बैटरी कैप्चर की। पैरा कमांडोज का अगला बड़ा मिशन 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार था और उसके बाद 1980 के दशक में उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने 1988 में मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस और 1999 में कारगिल युद्ध में भी भाग लिया। पैरा स्पेशल फोर्स यानी की पैरा एसएफ की मुख्य बटालियन के नाम है 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ, 10 पैरा एसएफ, 11 पैरा एसएफ, 12 पैरा एसएफ और 21 पैरा एसएफ। इनमें से सबसे नई 11 और 12 पैरा एसएफ है, जो कि 2011 और 2013 में रेस की गई है। जहां रिक्रूट ट्रेनिंग बैंगलोर में दी जाती है, वहां पैरा ट्रेनिंग आगरा में दी जाती है। पैरा एसएफ का रेजिमेंटल इंसिग्निया एक ओपन पैराशूट है जिसमें से विंग्स बाहर की ओर फैले हुए हैं और एक डैगर को विंग्स के बीच में अपराइट प्लेस किया गया है। पैरा एसएफ का मोटो है शत्रु जीत, मींस द कॉन्करर। पैरा एसएफ की हर बटालियन एक पर्टिकुलर तरीके से वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड होती है, जिससे अगर होलसम तरीके से देखा जाए तो सारी पैरा एसएफ बटालियंस को वॉरफेयर के हर डायमेंशन और स्फेयर को हैंडल करने की एबिलिटी रहती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पैरा एसएफ की किस बटालियन की कौन सी खास बात है। तो सबसे पहले जानते हैं 1 पैरा एसएफ की। 1 पैरा एसएफ को टेक्निकल नीड्स इन अर्बन वॉरफेयर में स्पेशलाइजेशन हासिल है और इन्हें 1978 में पैरा एसएफ रोल के लिए कन्वर्ट किया गया था। और 1 पैरा एसएफ को स्पेशलाइज्ड टाइप ऑपरेशन के अलावा अर्बन वॉरफेयर के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं 2 पैरा एसएफ की। 2 पैरा एसएफ को माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है और इन्हें प्रेडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इन्हें 2000 में पैरा एसएफ रोल के लिए कन्वर्ट किया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद आता है 3 पैरा एसएफ। 3 पैरा एसएफ को डेजर्ट वॉरफेयर में स्पेशलाइजेशन हासिल है और इन्हें रसल वाइपर्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इन्हें 2002 में पैरा एसएफ रोल के लिए कन्वर्ट किया गया था। अब हम जानते हैं 4 पैरा एसएफ की। 4 पैरा एसएफ को माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है और इन्हें डैगर्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इन्हें 2003 में पैरा एसएफ रोल के लिए कन्वर्ट किया गया था। अब आगे बात करते हैं 9 पैरा एसएफ की।
9 पैरा एसएफ को पायरेट नाम से भी जाना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पैरा एसएफ फ्रेटर्निटी की ये सबसे पहली बटालियन है जिसे 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। और 9 पैरा एसएफ को माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है। इसके बाद आता है 10 पैरा एसएफ। 10 पैरा एसएफ को 9 पैरा एसएफ की सिस्टर यूनिट कहा जाता है और इन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। 9 पैरा एसएफ को डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है। अब हम जानते हैं 11 पैरा एसएफ के बारे में। 11 पैरा एसएफ को जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है। इसके बाद आता है 12 पैरा एसएफ। 12 पैरा एसएफ, जिन्हें डर्टी डजन्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भी 11 पैरा एसएफ की तरह जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है। और इसके बाद जानते हैं 21 पैरा एसएफ के बारे में। 21 पैरा एसएफ, जिन्हें वागनकास के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भी जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज में स्पेशलाइजेशन हासिल है। और अगर बात करें 5 पैरा, 6 पैरा और 7 पैरा, वो एयरबोर्न यूनिट्स हैं जिन्हें एनिमी लाइंस के पीछे धावा बोलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो वहाँ दुश्मनों को तहस नहस कर दें। हालांकि उन्हें किसी भी पर्टिकुलर टाइप के वॉरफेयर की जगह अलग अलग तरीके के वॉरफेयर स्किल्स जैसे कि एंटी हाईजैकिंग, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर एक्सेट्रा की ट्रेनिंग दी जाती है। आई होप आप लोगों को पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिले, क्योंकि ये एसएसबी या किसी भी डिफेंस रिटन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।